आइए सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। पुणे के बावधन बुद्रुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिल रही है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पुणे के बावधन बुद्रुक गांव में तस्वीरें आपके सामने, हेलीकॉप्टर क्रैश, ये जो इन तस्वीरों में आग लगी आप देख रहे हैं, ये क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लगी है जिसकी लपटें इस वक्त आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, पुणे की ये तस्वीर है जहां पर अचानक से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है ऐसी जानकारी मिल रही है और जैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई और हर तरफ धुएं का गुबार, अफरातफरी, चीख पुकार। हालांकि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या कोई तकनीकी खामी थी या कोई पहाड़ी इलाका, पहाड़ी बीच में आने की वजह से आशुआ क्या हुआ, इस पर अभी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है और फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंच रही है और उसके बाद जैसे ही जांच की जाएगी तो पुलिस की तरफ से पहला बयान सामने आएगा कि हादसा हुआ कैसे। लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें और हम आपको बता रहे हैं बुद्रुक गांव में जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद इसमें अचानक से आग लग गई। 3 लोग जिनकी मौत हुई है इस दुखद हादसे में, तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, धुएं का उठता गुबार, आग की लपटें, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लगी है बावधन बुद्रुक गांव जहां पर यह हादसा हुआ और यह हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। 3 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ और फिलहाल अभी इस खबर पर और डिटेल्स आना बाकी है क्योंकि पुलिस जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी सिचुएशन की आखिर यह कैसे हुआ और जो 3 लोग जिनकी मौत की खबर है वो कौन थे, क्या पायलट इसमें सवार थे जो उनकी मौत की खबर है या को पायलट जो साथ में थे उनकी स्थिति कैसी है, ये सब समझना अभी बाकी है, डिटेल्स आना बाकी है। हेलीकॉप्टर कौन से मॉडल का था, क्या कोई प्राइवेट कंपनी का या क्या डिटेल्स है, इस बारे में भी अभी जानकारी लेना बाकी है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर पुणे में ये हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश होता है। पुलिस और मेडिकल की टीम जैसे ही सूचना मिलती है मौके पर रवाना हो जाती है। 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से ही पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई थी जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पहाड़ी बीच में आने की वजह से, कोहरे की वजह से ये हादसा होने की आशंका है। ज्यादा डिटेल देंगे मेरे सहयोगी मृत्युंजय, हमारे साथ कनेक्टेड है। मृत्युंजय, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या कोई पहाड़ी इलाका था या कोहरा भी एक वजह बताई जा रही है और जिन 3 लोगों की मौत हुई है कौन थे वो, पायलट को पायलट थे क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पुणे के बावधान इलाका है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 7 बजे इस हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया था। ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब है और ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब से उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट बाद ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस जगह पर ये घटना हुई, जब ये घटना हुई तो 7:15 बजे के आसपास का समय था और जहां पर ये घटना हुई ये पहाड़ी इलाका है और सुबह के समय वहां पर कोहरा भी था, एक वजह ये मानी जा रही है। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार किस वजह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन कोहरा एक प्राथमिक वजह माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में कोहरे की चपेट में आने से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी, पुलिसकर्मी और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं, वो वहां पर मुआयना कर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, एक पायलट और को पायलट की बात तो जानकारी सामने आ रही है, तीसरे व्यक्ति क्या कोई बिजनेसमैन थे या कोई प्राइवेट व्यक्ति थे इसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं। मृत्युंजय, ये भी जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर कौन से मॉडल का था, कौन सी कंपनी का था, क्या किसी प्राइवेट कंपनी का था, इस बारे में कोई डिटेल्स है आपके पास? जी, इस समय आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो सकता है, जिस प्रकार से ये गोल्फ कोर्स है वहाँ पर, वहाँ से अगर उड़ान भर रहा है तो अधिकतर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहाँ से ऑपरेट करते हैं।
तो हम एक संभावना जता रहे हैं कि ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो सकता है। हालांकि हमें इस पर आधिकारिक बयान का और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किस कंपनी का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे। लेकिन ये जो हिंजेवाड़ी परिसर है और जहाँ से ये हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया था, यहाँ से अधिकतर प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही टेक ऑफ या ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे घटना हुई है, तो माना जा रहा है कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही हो सकता है। जी शुक्रिया आपका मृत्युंजय अपडेट्स पहुंचाने के लिए इस खबर पर। तो देखिए अभी आशंका और संभावना ये जताई जा रही है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर हो सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई जानकारी इस बारे में नहीं मिली है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये 2 तस्वीरें जो सुबह सुबह पुणे से सामने आई, बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें और बहुत ही दुखद खबर। और चलिए एक बार फिर से आपको पुणे की तस्वीरें दिखाते हैं। आप सुबह सुबह जो हादसा हुआ बावधन बुद्रुक गांव, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आती है और जो तस्वीरें सामने आती हैं परेशान कर देने वाली, विचलित कर देने वाली। 3 लोगों की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है, हेलीकॉप्टर में आग लगने की भी खबर है इस पूरे हादसे के बाद। ये देख लीजिए आप तस्वीरें। और जैसा कि मेरे सहयोगी मृत्युंजय अभी तक जो उनके पास जानकारी थी उसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि 3 लोग जिनकी इसमें मौत हुई है, उसमें एक पायलट, एक को पायलट और अभी तीसरे व्यक्ति का पता लगना बाकी है कि वो कोई बिजनेसमैन थे या फिर कोई और व्यक्ति जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अभी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। पहली वजह जो सामने आती है वो कोहरा माना जा रहा है कि कोहरे की संभावना की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और अचानक से विजिबिलिटी कम हो गई और इसी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद इसमें अचानक से आग लगी। 3 लोग जो इस हेलीकॉप्टर के भीतर सवार थे, उन 3 लोगों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस खबर पर आना बाकी है। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन 3 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। हालांकि अभी देखिए ये समझना होगा कि क्या कोहरा ही इसके पीछे की पहली वजह जिस वजह से ये हादसा हुआ, और ये हेलीकॉप्टर क्या किसी प्राइवेट कंपनी का था या फिर कौन से मॉडल का था, इस बारे में भी अभी डिटेल आना बाकी है। ये पहली तस्वीर जो एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई, पुणे की ये तस्वीर जहां पर अचानक से बावधन बुद्रुक इलाका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और बताया जा रहा है कि जैसे ही इस हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया था उसके महज 10 से 15 मिनट के बाद ही ये हादसा हो जाता है, ये अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जो गांव वाले वहां पर थे उन्होंने ये जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से आपको लेकर चल रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स वो देंगे। मृत्युंजय क्या आपके पास अभी इस खबर पर कुछ और अपडेट मिल पाया है क्या? बिल्कुल, हमारे पास में एक महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स से 7 बजे उड़ान भरी थी और 7:10 पर क्रैश हो गया है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसमें पायलट, को पायलट और एक इंजीनियर है, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं था। ये हेलीकॉप्टर जो है वो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ऐसी हमें जानकारी मिली है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था और मेंटेनेंस का काम करने के बाद में ये कहीं जा रहा था, काम पूरा हो चुका था, ऐसी भी जानकारी आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्या बयान आता है वो देखना होगा, लेकिन इसमें पायलट, को पायलट और जो तीसरा व्यक्ति है वो एक इंजीनियर है, उनकी मौत हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स से जहाँ से उड़ान भरी गई थी वहाँ से 1.6 किलोमीटर यानी हम कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर के करीब का सफ़र तय करते ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। जहां पर ये ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स है वहां से टेक ऑफ करने के बाद थोड़ा पहाड़ी इलाका आता है, सुबह के समय वहां पर कोहरा और धुंध था। ऐसा माना जा रहा है कि एक वजह ये हो सकती है हेलीकॉप्टर क्रैश की, कि ये कोहरे और धुंध की चपेट में आने से ये हादसा हुआ होगा। हालांकि ये जाँच का विषय है, लेकिन हेलीकॉप्टर ने 7 बजे जब टेक ऑफ की तो 7:09 या 10 के आसपास ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 3 लोग बुरी तरह से हेलीकॉप्टर में फंसे रहे, वो हेलीकॉप्टर से निकल नहीं पाए और 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, 3 लोगों के नाम भी है, थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर हमें पता चल जाएंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये पुणे में ऑपरेट करने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कुछ समय पहले ये मेंटेनेंस के लिए भी गया था और मेंटेनेंस का काम भी हो चुका था, ऐसी जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है। अब वजह क्या तकनीकी दिक्कत है या फिर वजह मौसम है, ये जांच का विषय है, जिस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। मृत्युंजय जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स से टेक ऑफ किया था इस हेलीकॉप्टर ने और महज 1 या 1.5 किलोमीटर की ही दूरी तय की होगी, तो मुझे लगता है 10 मिनट का समय भी नहीं हुआ होगा टेक ऑफ किए हुए और अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है।
लेकिन समझना ही चाहेंगे कि ये हेलीकॉप्टर लैंड कहां पर होने वाला था, कितनी देर की ये फ्लाइट थी, कहां पर जाना था। ये जो तीन व्यक्ति, जैसा आप बता रहे हैं, पायलट, को पायलट, इंजीनियर इसमें सवार थे, क्या इनके अलावा भी कोई व्यक्ति था इसमें या केवल ये तीन लोग ही थे इस हेलीकॉप्टर में? जी, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक तीन ही लोग सवार थे, दो पायलट यानी पायलट, को पायलट और एक इंजीनियर। इसी प्रकार की जानकारी हमारे साथ हमारे पास सामने है। और जो बिल्कुल आपने जो सही बात कही कि हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ करते ही ये तुरंत हादसा हुआ है, 1.6 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ये हादसा हुआ। और 7 बजे जो लॉग बुक में समय लिखा जाता है हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ का, वो 7 बजे का समय है। और ऐसा है कि 7:15 के आसपास ग्रामीणों ने कंट्रोल रूम को फोन किया होगा, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने के बाद ही हादसे का शिकार हो गई और इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। ये तीन लोग कौन थे, किस उद्देश्य से कहां पर जा रहे थे, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स एक क्लब है, वहां पर हेलीकॉप्टर ऑपरेट के लिए वहां हेलीपैड है, वहां व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है और वहां पर हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होते हैं। वहीं पर यह हेलीकॉप्टर ऑपरेट होकर सुबह 7 बजे उसने टेक ऑफ किया था और कुछ ही समय बाद यह हादसे का शिकार हो गया। ये व्यक्ति कौन है, पॉइंट अभी आपने कहा, मैं उसको एक बार फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस होनी थी, जो कि जानकारी मिल रही है कि मेंटेनेंस पूरी हो चुकी थी। क्या कोई कमी तो नहीं थी इस हेलीकॉप्टर में, क्योंकि अचानक से टेक ऑफ होते ही 10 से 15 मिनट में महज एकदम से क्रैश कर जाना, कहीं ना कहीं क्या मेंटेनेंस, कोई खराबी इसके पीछे कोई वजह हो सकती है क्या? देखिए, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये जितने भी हैवी मशीन्स यानी हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर हैं, इनका एक समय समय पर रूटीन मेंटेनेंस तो होते ही रहता है। रूटीन मेंटेनेंस के बाद ही ये टेक ऑफ करते हैं। समय समय पर जो इनकी टीम होती है, टेक्निकल टीम, वो रूटीन मेंटेनेंस करती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है देखने वाली कि क्या इस हेलीकॉप्टर का एक रूटीन मेंटेनेंस हुआ था या फिर ये रिफिट में या फिर किसी बदलाव में गया था, किसी पार्ट्स को बदलना था या फिर एक मेजर चेंज या मेजर टेक्निकल बदलाव में गया था या मेंटेनेंस में गया था, ये इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जानकारी है कि मेंटेनेंस हुआ था इस हेलीकॉप्टर का और आज सुबह 7 बजे उड़ान भरने वाला था। उड़ान भर के ये कहां जा रहा था, क्या किसी दूसरे स्पॉट पर जाना था या फिर इसे एक चक्कर लगाकर वापस गोल्फ कोर्स पर ही आना था, इसकी जानकारी का इंतजार है। और आपको बता दें कि इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, एविएशन अथॉरिटी के या फिर भिंजवाड़ी पुलिस के लोग हैं, वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है मित्र, जैसे ही आपके पास कुछ और जानकारी होगी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी आधिकारिक तौर पर बयान का इंतजार है। आगे बढ़ेंगे। अभिनेता गोविंदा गोलीकांड पर एक बड़ा अपडेट है हमारे पास। मुंबई पुलिस ने कल गोविंदा के बयान दर्ज कर लिए हैं। गोविंदा के घर में मौजूद लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। अभी अंधेरी के ही अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं और कल आपको याद रहे कि रिवॉल्वर से मिसफायर होने पर गोविंदा अचानक से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब जानकारी ये मिल रही है कि गोविंदा के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त फोनलाइन पर कनेक्ट है। नम्रता, गोविंदा के भी बयान दर्ज लिए गए हैं और जिस वक्त ये गोली चली उनके घर में, मिसफायर जब हुआ, तो उनके घर पर कौन कौन लोग मौजूद थे जिनके बयान दर्ज किए गए हैं और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए पूजा, फिलहाल ये अपडेट है कि शाम को 4 से 5 बजे के करीब गोविंदा का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो उनके मैनेजर शशि बता रहे हैं कि गोविंदा आज भी अस्पताल में रहेंगे, उनको 2 दिनों तक रेस्ट करने की जो हिदायत है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई, तो कल उनके डिस्चार्ज होने की संभावना है। गोविंदा से पहले उनके जो घर में जो मौजूद लोग थे उनका बयान दर्ज किया गया है, जिनमें उनकी बेटी टीना भी शामिल है, एक मेड शामिल है और साथ ही एक जो उनका स्पॉट बॉय है वो भी शामिल है। इन तमाम लोगों के जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं। उनके जो भाई हैं कीर्ति कुमार का बयान है वो कल ही दर्ज कर लिया गया था, जब अस्पताल में मौजूद थे, क्योंकि वो उनको जो क्रिटिकल अस्पताल है जूहू में वहां पर लेकर गए थे। तो ऐसे में गोविंदा और उनसे जुड़े तमाम लोगों के बयान जो है वो कल दर्ज कर लिए गए। गोविंदा का बयान शाम को दर्ज किया गया और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल गोविंदा डिस्चार्ज होंगे, आज उनके डिस्चार्ज होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में बड़ा ग्रेट है कि गोविंदा काफी ज्यादा रिकवर कर चुके हैं और उनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा ठीक है, परिवार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कल तमाम राजनेता अभिनेता उनसे मिलने भी गए थे। तो ऐसे में गोविंदा की स्थिति काफी ज्यादा स्टेबल है पूजा। ठीक है नम्रता, शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। तो देखिए अभी गोविंदा की स्थिति स्टेबल है, बयान दर्ज कर लिए गए हैं और यहाँ तक कि जब मिसफायर हुई घर पर जो लोग मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज हो चुके हैं। इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बता दें कि गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों से स्वच्छता से जुड़ी मुहिम से जुड़ने की भी अपील की। पीएम मोदी ने
पोस्ट करके भी लिखा है, गांधी जयंती पर आज अपने युवा साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का हिस्सा बना। मेरा आप सभी से आग्रह है, आज आप भी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड पर तो ये श्रमदान दिया, ये तस्वीरें भी साझा करी और लार्जर ग्रुप को ये मैसेज दिया कि स्वच्छता के लिए जहां पे भी हैं आप, जिस भी तरीके की मुहिम चल रही है उसमें जुड़ जाइए, कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, जैसे कि पीएम ने किया है। बिजी शेड्यूल और तमाम चीजों के बावजूद आज के दिन सफाई के नाम किस तरीके से जमीन पर उतर करके काम करने की जरूरत है, इसे बताने के लिए पोस्ट के साथ, तस्वीरों के साथ, देखिए जगह जगह से तस्वीरें आई हैं गांधी जयंती के मौके पर। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लव्स पहने, कैप पहने, स्वच्छता अभियान की लोगों को बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए, एक नज़ीर पेश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जब सीएम हाथ में, पीएम हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई कर सकते हैं, तो जहां कहीं आप हैं आप किसी न किसी मुहिम से जुड़िए और आज श्रमदान कीजिए, आज जाइए साफ सफाई का हिस्सा बनिए और आज की इस मुहिम का हिस्सा बनने से भारत को साफ सुंदर बनाने की पहल में आपका भी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। यही संदेश है जिसे लिख करके भी पोस्ट किया है पीएम ने और इस तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी तरीके की तस्वीरें कमोवेश हर राज्य से आज के दिन देखने को मिलती है। बापू की जयंती के मौके पर यही संदेश रहता है क्योंकि बापू ने खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिस तरीके का संदेश दिया है शौचालय को हाथ से साफ करके, आज उसी को एक आदर्श मान करके हर कोई अपने आप को सफाई के अभियान से जोड़े, ये संदेश देने की कोशिश की गई। जिस तरीके से बापू ने कभी भी गुरेज नहीं किया कि अपने साथियों के लिए उनके टॉयलेट को साफ करना हो, उनके लिए साफ सफाई करनी हो, हर उम्र की हर अवस्था में उन्होंने अपने शरीर से जितना बन पड़ा सफाई के लिए किया और आज उन्हीं आदर्शों को दोहराने की कोशिश उनके जयंती के मौके पर। तो दिल्ली और लखनऊ की ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, इसी का संदेश देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू लिए और यहाँ पर एक संदेश उनकी तरफ से कि आप मुहिम से जुड़िए और अपने देश को, अपने शहर को, अपने जिले को स्वच्छ बनाए। बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। थोड़ी देर में शाह महायुति के नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, फडणवीस, अजित पवार सहयोगी मौजूद रहेंगे और सह्याद्री गेस्ट हाउस में इनका पहुंचना होना है। विवादित सीटों पर प्रदेश के नेता शाह को जानकारी देने वाली है, बाकी की डिटेल्स नम्रता के पास है, फोन लाइन पर वो कनेक्ट हो चुकी है। नम्रता जरा बताएं कि आज वाली मीटिंग के क्या मिनट्स हैं और क्या क्या जानकारी आ रही है। देखिए अमित शाह दो दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, आज उनका ये दौरा खत्म होना है। उसके पहले सुबह 10 बजे के करीब वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं की बैठक कर रहे हैं जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले हैं। दोनों जो डिप्टी सीएम है वो सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, कुछ देर में और जो नेता है वो पहुंचेंगे और जो बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में जो थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ की जो प्रमुख सीटें हैं जो विवादों में है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि महायुति की 125 से ज्यादा सीटों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उस पर अभी भी बातचीत चल रही है। तो ये जो प्रमुख सीटें हैं मुंबई थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ की, उनको लेकर अमित शाह बैठक करेंगे। तमाम नेता जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। और जो लोकसभा चुनाव में देरी से उम्मीदवारी जारी की गई उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसलिए पहले लिस्ट तैयार करके अपने उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा वक्त देना चाहते, इसलिए जो ये बैठक है वो भी आज प्रमुख मानी जा रही है। बैठक जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चलने की बात की जा रही है क्योंकि इसके बाद अमित शाह को दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो ये थाने, नवी, रायगढ़, ये आप बता रहे हैं, इन पेचीदा सीटों पे आज बात बन जाए इसी की पूरी कोशिश रहेगी। शुक्रिया नम्रता जो जानकारी आपने साझा करी। आइए अब आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें दिखाएंगे। घरचू नाला के पास पहाड़ का मलबा कैसा गिरा है ये आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगाएंगे, लेकिन यहाँ गनीमत सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके के जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ, कोई इसकी जद में नहीं आया है, लेकिन कितना भयानक ये पूरा मंजर रहा होगा। आसपास लोगों ने हालांकि वीडियो बनाया, सुरक्षित हैं लोग, और पहाड़ों पर बारिश के बाद धूप और उनके चटकने की कंडीशन आम हो जाती है और इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती है। घरशू नाला के पास ये पहाड़ से मलबा गिरने की फुटेज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।